is one more problem I am taking on the same concept that resistance is equal to rho into L upon A. So in this question they are saying कि आपने एक वायर लिया और उस वायर को आपने डबल कर लिया. इसका मतलब क्या है? आपने जो लेंथ थी उसको बीच में से फोल्ड करके और यहाँ पे डबल किया, तो इससे क्या होगा, जो वायर की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, हाफ, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, डबल. सो आपको जो इनिशियल वायर था उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम. सो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A. सो 4 ओम इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A. अब सेकंड केस में लेंथ जो है वो क्या हो गई है, हाफ. सो न्यू लेंथ विल बी L अपॉन 2 एंड द न्यू एरिया विल बी 2A. तो यहां पे आप L को क्या रखोगे, L अपॉन 2, और एरिया को क्या रखोगे, 2 टाइम्स A. तो आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है. सो लेट अस अज्यूम कि नया रेजिस्टेंस कितना है, R. सो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2A. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं यहां पे रो को चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज़ रो जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिससे वायर बना हुआ है. क्या अपन ने मटेरियल चेंज किया है, नहीं किया है. तो दोनों केसेस में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, सेम होगी. So if you take the ratio of first equation and the second equation, so the new resistance comes out to be 1 ohm.